Mommy, I want to go to school. अच्छे से ठीक तो हो जाओ. I'm all ready. Are you sure? Tomorrow. When my friend was sick, she used to go. Tell her mother that, please, Mom, I want to go to school. And then her mom said, sure. एक दो दिन आप रेस्ट कर लो ना फिर. Mama, I want to sleep tomorrow. मैंने आज दाल राइस बनाए हैं. चूँकि बच्चे जो है वो बीमार हुए हैं तो हल्का फुल्का ही खाना चाह रहे थे. वैसे तो मैं मीरप के लिए सूप बनाना चाह रही थी लेकिन बच्चे जो है वो नहीं पीते. दाल राइस के साथ पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं. अगर आप में से किसी ने अभी तक ये कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं किया तो ज़रूर करना, क्योंकि बहुत मज़े के लगते हैं. दाल राइस हो, साथ में सैलेड हो और थोड़ी सी ग्रीन चटनी हो और साथ में हो पकोड़े, तो बहुत मज़े का एक आपका मील बन जाता है. ये मेरे बड़े बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है ये कॉम्बिनेशन. तो एक मरतबा मैंने ये रमज़ान में ट्राई किया था तो उसके बाद से जैद ने कहा कि मम्मा अब आपने हर बार जब भी आप दाल राइस बनाएं तो उसके साथ आपने पकोड़े लाजमी बनाने हैं. जैसे पुलाव के साथ कबाब बनते हैं तो इसी तरीके से आपने दाल राइस के साथ पकोड़े बनाने. तो बस अभी मैंने इसकी मिक्सिंग करनी है और फिर पकोड़े बना लेती हूँ. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे. बहुत शुक्रिया बच्चों के लिए दुआएं भेजने के लिए. अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे अब ठीक हैं. बस इस बार थोड़ा सा उनका इन्फेक्शन कुछ ज़्यादा ही सीवियर हो गया था तो टाइम ले लिया बच्चों ने ठीक होने में. तो बाकी खैर ठीक हैं अब वो अल्हम्दुलिल्लाह. तो अभी मैं आप लोगों के साथ वीकेंड व्लॉग शेयर कर रही हूँ. जो भी वीकेंड पर हमारी रूटीन रही है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. एक फैमिली व्लॉग की सूरत में आप इसको इन्जॉय करेंगे. लगता है इरफान बारिश हुई है रात. देखिए ऊपर ऐसे लगता है जैसे कुछ चींटे वगैरह. ओके मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि जब आप ठीक हो जाएंगे, खास तौर पे मीरपुर से कहा था कि आप इंजेक्शन आराम से लगवा लो तो आप लोगों को फिर मैं कोई टॉय या फिर कोई बुक दिला दूंगी. तो बस अभी हम लोग निकले हुए थे बुक स्टोर के लिए तो मुझे फाइव रियाल शॉप पे भी जाना था, वहाँ का भी कुछ काम था. लेकिन रास्ते में एक जगह आई और हस्बैंड ने कहा ये बहुत अच्छी जगह है, खाली सा एक मैदान था तो तुम यहाँ पर कुछ जो है वो प्रैक्टिस कर सकती हो गाड़ी ड्राइव करने की. तो यहाँ पर थोड़ा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं थोड़ा बहुत लेसन दे देता हूँ. तो इस तरीके से जो है वो तुम प्रैक्टिस कर सकती हो यहाँ पे. तो बस अभी देखें जरा हस्बैंड का जो अंदाज होता है गाड़ी सिखाने का, एंजॉय कीजिए इसे. ब्रेक से पैर नहीं हमने डाला जब तक हमने चला नहीं मारा, ठीक है? ब्रेक को नहीं छोड़ना जब तक हमने गियर नहीं लगा लिया, ठीक है? गाड़ी रुकी रही है, ठीक है? अब हमने क्या करना है, गियर को चेंज करना. अब किस मोड में है? चलाएं, कम ऑन, गो. करेंगे फिर ड्राइव पे लाएंगे. यस, आराम, स्लो स्लोली आप इसको ड्राइव मोड पे लेके जाओ. ओके, इधर ऐसे पकड़ लेंगे. प्रेस करो बटन को, प्रेस. You have to press a button and then push. Press to karein aise hi ye banana. Gear ko move bhi to karo na. Thehro, acha chodo. Press and move back. Kyun nahi ho raha? Yeah, here. Brake pe pair nahi hai. Chupa ka jaise. Theek hai. And now drive pe karke fir brake se paw utha. Ha, lagao to pehle. Chal. Brake se pair hatao. Hata lo na pair. Okay, okay. हटा लो ना. ओके यार, पूरा हटा लो. हाँ पूरा. ओके, ओवर मूविंग. स्पीड तो स्लो और ड्राइव अपना आपने इसको कंट्रोल करना. ठीक है, ठीक है. हटा लो ना ब्रेक से पैर, हटा लो ना. तो हटा के उधर करो ना, दूसरे एक्सीलेटर साइड पे करो. ओके, हाँ चलो चलाओ आप आराम से. ओके, ड्राइव करो और देखो सामने चीजों को देख के. ठीक है, ठीक है, ठीक है. स्पीड भी दो. मैं स्पीड अपने हिसाब से. हाँ हाँ चलो चलो चलाओ चलाओ. Have you seen the memes like mom's driving cars versus dad's driving cars? Like dad's is like 100 and then mom's is like 20. Oh, we're actually going fast. Faster, faster, faster. अभी faster नहीं हो सकता. Move करो ऐसे round में लगा. Yeah, turn around. Oh my god, this looks like so much fun. Move करो. Steering को move करो. Steering की जाने की. इधर move करो ना, सामने वो चीजें आ रही हैं. इधर move करो. Turn लो. I feel like mommy is. Move करो. Move करो. What?
thought we're moving. Move, go. The sun is setting. Okay, I know. Road pe nahi jana. Ooh, we're rotating 360. The sun looks nice. Okay, what's the time? We're moving in circles. Okay, Papa, I want to drive now. Just okay. Bro, we made a bet. Me first. What bet? Haram. Okay. I'll set my own again. Mommy, look at me. Why do you look nervous? No. Try to go faster. Okay. Abhi time hai, aage jagah hai. DJ. That's so cute. Time hai. Kya time hai? What do you mean? Instruction ko follow karo na. Okay. I wanna drive, please. Ye haathon ko wo nahi karo. Ek hand se move karo. बस अब चुप करके बैठ जाओ ठीक है चलो मैंने सीख लिया अब मैं ब्रेक पे पाऊंगा जस्ट गो द रोड आई वांट टू गो टू ओके चुप क्लियर हुआ अब शश एंड ओके आई लेट यू नो एवरी स्टेप नाउ सी दैट आई एम ड्राइविंग नाउ बिस्मिल्लाह लेट्स गो Where's the speed at? Tell me. Speed. थोड़ी सी फास्टर अभी से थोड़ी राइट करो राइट के लेफ्ट राइट बस है राइट मारो जो कह रहा हूँ वो करो ना I want to go left. मैंने ये नहीं कहा राइट सीधा ओके जो मैं कह रहा हूँ फॉलो करो ओके काम डाउन Oh my god, it's a little bit bumpy, Mama. Right side. Mama wants to do her way. Mama, stop now. Bas, seedha. Okay. Now brake lagao. Kyun brake lagao? Lagaye. Speed lagao? Nahin, brake lagao. Leave the accelerator, put the brake, change the gear, put handbrake. It's our turn. Our? Yes. You never know. Stop! I'm so tired, I want to. You guys are such kids. अभी उसे सैयद की टर्न है इसको शौक चढ़ रहा था कि मैं भी ट्राई करता हूँ हस्बैंड से गाड़ी सीखना बहुत ही मुश्किल काम है मतलब थोड़ी सी भी कोई बात हो तो फ़ौरन आपको डांट पड़ जाती है मतलब ये है कि आप फिर उनकी डांट ही सुनते रह जाते हैं सीखते कम हैं डांट ज़्यादा पड़ रही होती है आपको तो ये चीज़ ज़रा मुश्किल होती है तो वही मैं हस्बैंड को काम डाउन करने की कोशिश कर रही थी कि प्लीज़ आप काम डाउन रहें तो ही मैं सीख पाऊँगी उसे इतनी स्पीड मत दो बच्चे पहले आप उसको लेसन दो ना फिर उसके बाद इरफान मैंने कैसी चलाई अच्छी चलाई है मतलब मैं अच्छा स्टूडेंट हूँ विष्णा की टर्न है यहाँ पे साथ में बच्चे भी शुरू हो गए और मीरब कह रही है कि इसके बाद मेरी टर्न है वाह मीरब यहाँ पे हमें पुलिस पकड़ लेगी लेफ्ट नहीं एक फीट यूज करना है लेफ्ट को पीछे करो लेफ्ट फीट को पीछे करो आपने भी ड्राइव करनी है राइट को यूज करना बस यहाँ पे मगरिब भी हो चुके हैं नमाज पढ़ लेते हैं अभी जरीर चलते हैं बेटे आज हमारे टीचर जो है वो बहुत काम होके हमें सिखा रहे हैं who's your teacher of course daddy he's teaching us ना अभी ड्राइविंग क्लास के बाद हम लोग जा रहे हैं फाइव ईयर शॉप फिर उसके बाद जाएंगे बुक स्टोर आज एब इनिशियो क्लास थी सबसे मुश्किल जगह ये होती है ना इधर भी ट्रैफिक उधर भी ट्रैफिक लेकिन आपने लेन नहीं छोड़नी है और आपने सिग्नल को देखना
नीरज पहले हम लोग फाइब्रल शॉप पे जा रहे हैं क्योंकि ये पहले आती है और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे बुक स्टोर। हाँ ये रास्ते में थी ना इसलिए, वरना पहले इनको कहा था कि पहले हम लोग चलेंगे बुक स्टोर में। सो दे आर वेटिंग फॉर इट। काफी दिन हो गए मैंने डिस्पोजेबल ही नहीं बाय किया है तो अभी कुछ यहाँ से उठाती हूँ। देखो बाउल है यहाँ पे, बाउल चेक करो। उसे वहां से बाउल उठाओ, देखो जो साइज हम लोग यूज करते हैं। देखो उधर उधर है, उधर है पीछे आई थिंक। एक ये ग्लास रख लेते हैं। है उष्णा आप देखो बेटे, इसको नहीं पता चल रहा है, मुझे भी नजर नहीं आ रहे वैसे तो। ये कप्स अच्छे हैं लेकिन साइज छोटा है, पेन अच्छा लग रहा है ना, साइज छोटा है लेकिन ये तीन कप्स का सेट है। मैं देख रही हूँ यहाँ पे कुछ अगर नज़र आ जाए तो। अच्छा फाइव रियल शॉप से मुझे लेनी दो तीन चीज़ें होती हैं लेकिन उसके साथ मैं विज़िट पूरी शॉप का करती हूँ क्योंकि जब तक मैं सारी चीज़ें देख ना लूँ ना तो मुझे सुकून नहीं आता। मुझे आइकिया पे भी बड़ा मज़ा आता है, आइकिया के बाद मैं फाइव रियल शॉप को भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। हर बार कुछ ना कुछ यहाँ पे नया आया होता है। मुझे ऑर्गेनाइजर्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है तो कंटेनर्स मैं चाहे लूँ या ना लूँ लेकिन देखती ज़रूर हूँ। अभी भी मैं कुछ उठा रही थी, पहले उठाए फिर उसके बाद वापस रख दिए, लेकिन ये वाले छोटे कंटेनर्स काफ़ी यूज़फुल हैं। ये आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक आप अपने बच्चों को कोई नट्स वगैरह देना चाहें तो आप बड़े लंच बॉक्स में एक, अगर तो कंपार्टमेंट्स वाला लंच बॉक्स नहीं है तो आप छोटे छोटे इस तरीके से कंटेनर्स लेके उसमें बच्चों को नट्स दे सकते हैं। ये तो अभी मैं आपको ऑर्गेनाइजर दिखा रही हूं। मैंने छोटे छोटे कंटेनर्स का पैक उठाया हुआ था, मैं उनकी बात कर रही हूं। और अभी ये बॉक्सेस जो है वो स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होते हैं, आप इसमें जो है वो फ्रिज में कोई भी चीज रख सकते हैं स्टोर करने के लिए। मेरे पास इस तरीके से बड़े साइज में भी हैं जो मैं फ्रिज में इस्तेमाल करती हूँ तो ये भी काफी यूजफुल रहते हैं। ये प्लेट्स क्यूट है ना उष्णा? या इट्स सो क्यूट। देखें हर साइज में है, डीप प्लेट भी है और ये है जी हैंडल वाली, लाइक दिस। अच्छी लग रही है वैसे। ओह सो क्यूट। ये देखें जी यहाँ पे मुझे कुछ टिशू के लिए बॉक्सेस नज़र आ गए जो कि मल्टीपर्पज़ थे, साथ में टिशू रखें और कुछ आप अपनी स्किन केयर की चीज़ें भी रख सकती हैं, वॉशरूम में रखना हो या फिर आपने अपने कमरे में कहीं रखना हो, तो ये भी बड़े स्मार्ट से और खूबसूरत से थे। इसमें दो स्टाइल थे, एक ये भी था छोटा साइज़ और एक जो मैंने आप लोगों को पहले दिखाया। पहले मैंने ये रखा फिर उसके बाद मैंने निकाल लिया कि हर बार मैं इसी तरीके से कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजर्स वगैरह इकट्ठे करके ले जाती हूँ, तो अभी नहीं लेती, नेक्स्ट टाइम देख लूँगी। तो पहले मैंने इसको रखे रखा लेकिन फिर बाद में मैंने इसको निकाल दिया था, फिर बजट जो है वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है। और ये मैंने यहाँ से मग लिए थे, ये भी मुझे अच्छे लग रहे थे, ज़्यादा ही पसंद है, जहाँ देखती हूँ रुक जाती हूँ। ये देखें 11 का है, 5 का है, आई थिंक इट्स 5। अच्छे हैं ये वाले मग जो है वो अच्छे हैं, अच्छी क्वालिटी के। वैसे मैं यहाँ से नहीं लेती हूँ लेकिन मैंने इनको खोला है और चेक किया इसका एक मग ना, अच्छा लगा मुझे। मीरब को मिली कैट। पेट शॉप बंद है? Did you visit it? Yeah, visited. Why didn't they put this inside? वो स्ट्रीट कैट होगी ना? देखो किटन्स, ये वाला कितना क्यूट है। Oh, so cute. और अभी हम लोग आ चुके थे जरीर बुक स्टोर। यहाँ पे आने के लिए तो बच्चों ने काफ़ी शोर मचाया हुआ था, बच्चों को यहाँ से बुक्स दिलानी थी और वहीं हम लोग यहाँ पे देखने के लिए आए हैं। मीरब से प्रॉमिस किया था। Read it. Try to read it. Can you read it? Mom, look there. So sad. इसको read तो करो ना। चलें जी, books बच्चों की ले ली हैं यहाँ से। चलो भाई बैठो। ख्याल से बेटे इधर गाड़ी को लग रहा है। बहुत ही close park की भी है।
और अभी हम लोग घर वापस आ चुके थे, तो मैं कुछ डिस्पोजेबल लेके आई थी और कुछ क्लीनिंग स्प्रे थे, टिश्यू पैक और टिश्यू रोल वगैरह, और इसके अलावा कुछ कंटेनर्स मैंने लिए थे। बस कुछ पहले मैंने उठाए हुए थे ढेर सारे, फिर उसके बाद मैंने वापस रख दिए थे, मैंने कहा अभी ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से होता है, जब भी आप कोई चीज़ नई देखते हैं तो फिर आपका दिल करता है कि अच्छा ये भी ले लें। लेकिन अभी मैं आप लोगों के साथ एक यूज़फुल चीज़ शेयर करना चाहूँगी। ये मैंने कुछ फूड स्टोरेज कवर्स लिए हैं, लाइक कुछ आपने जैसे लेफ़्ट ओवर फूड होता है फ्रिज में कवर करके रखना होता है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप इससे अपना फूड कवर करके फ्रिज में रख सकते हैं, लाइक कोई फ्रूट वगैरह जैसे कटा हुआ रखा होता है, तो उसको बजाय इसके कि आप उसको खुला रख दें, तो इस कवर के साथ आप उसको कवर करके फ्रिज में रख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रिज में जो है वो फ्रूट की स्मेल नहीं जाएगी, और इसके अलावा कोई भी बाउल बाजू का ऐसा होता है कि उसका ढक्कन नहीं होता हमारे पास, तो आप उसको भी इस तरीके से कवर करके रख सकते हैं। आगे मैं आप लोगों को करके भी दिखाऊंगी। और ये कुछ मग्स मुझे वहाँ पर नज़र आ गए थे, ये भी बहुत अच्छे थे, तो सोचा इनको ले लेती हूँ क्योंकि ये तो इस्तेमाल होते ही रहते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये ओपन करके, तो ये देखें इस तरीके से आप इनको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी बाउल पे, किसी भी फ्रूट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप इसको जो है वो अपने फ्रिज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज़ ये था आज का व्लॉग, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।